अब हम चंदेरी की ओर चलते हैं। चंदेरी मध्य प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है जो प्रसिद्ध है चंदेरी किले के लिए, तानसेन जो संगीत सम्राट थे उनकी समाधि के लिए, और यहाँ जो मुगलों का अटैक हुआ था शायद बाबर का, तो उसने जो काफ़ी खून खराबा किया था उसके लिए खूनी दरवाज़ा लोग ज़रूर आते हैं। और कटी घाटी मतलब कि उसने घाटी को इंटर करने के लिए किले में 24 घंटे में उसने दीवार को काट दिया था और काफ़ी लोग मरे थे। और वहाँ एक मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है जो काफ़ी पुराना है। तो इन चीज़ों को बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे और आपको हम चंदेरी की ओर ले चलते हैं। और देखिए हम आ चुके हैं संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि पर। ये देखिए मैं नज़दीक आके आपको दिखलाता हूँ, संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि पर आ चुके। देखिए क्या किस अवस्था में पड़ा हुआ, बिल्कुल ही कुछ नहीं है। देखिए एक आम आदमी का फोटो भी अभी शायद मैं ऐसे ही चला था, इनसिग्निफिकेंट लग रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं रुक गया, मैं देखा पता नहीं वो क्या फोर्ट है, ऐसे छोटे मोटे फोर्ट सब बने हुए हैं, इनसिग्निफिकेंट है, लौटेंगे तो देख लेंगे। ये किला है चंदेरी फोर्ट इसी को बोलते हैं, और ज़्यादातर फिल्मों में अभी भी कुछ फिल्मों की शूटिंग वूटिंग होती रहती है, यहीं हो रही है। अब वहाँ चल के देखते हैं, छोटी मोटी चीज़ें सब कुछ जोड़ देंगे, एडिटिंग में जोड़ना पड़ता है तो एडिटिंग हम जोड़ देंगे। चलिए वीडियो, तो हम चंदेरी फोर्ट के अंदर में आ गए हैं। हमारी पत्नी जी हैं, ये हमारे एसआई का आदमी है, तो इन्होंने बताया कि अच्छा मैं तो नया बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये रिपेयर हुआ है जस्ट, इसको ये तो पुराना खिलजी ने ध्वस्त वगैरह कर दिया था इसको, हाँ तो ये टूट चुका था, इसको फिर रिकंस्ट्रक्शन किया गया। देखिए बिल्कुल नया स्ट्रक्चर है, इसकी कहानी बहुत खिलजी, इसके बाद फिर इसको लिया बाबर बस शेरशाह सूरी के बाद इसको फिर कैप्चर अकबर ने किया, ऐसे टूटते फूटते फिर लास्ट में ब्रिटिशर्स के पास आ गया, और फिर लास्ट में भारतीय गणतंत्र के अंदर में आया, और इसको फिर रिपेयर किया गया। कुछ हमारे बहादुर बच्चे इसके दीवार परकोटे पे चल रहे हैं, वो बहादुर लोग हैं, ऊपर कुछ है नहीं, परकोटे हैं और मना करने पर भी चल रहे हैं। तो ये बावड़ी है और ये किला की यही कहानी है, आगे कहानी में बताऊंगा डिटेल में, यही है। और बाहर क्यों चलते हैं, ऐसा कुछ है तो किले की कहानी, हर किले कहानी होती, किले में ऐसा कुछ ये नहीं होता कि बहुत कुछ इसमें बोला जाए सुना जाए, किले की कहानी अपनी होती है, हर एक कहानी होती है, चंदेरी का अपना इतिहास होता है, ये इतिहास यहाँ दिखाया जा रहा है। आइए, सारा इतिहास है चंदेरी का अपना इतिहास है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। चंदेर राजाओं ने बनाया, मोहम्मद गजनी ने इसको तोड़ा, उसके बाद फिर मोरक्को बड़ा काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हैं, इब्ने बतूती भी चंदेरी में आया था, उसने लिखा कि चंदेरी एक बड़ा शहर है जहाँ भीड़ भरे बाजार हैं। फिरोज तुगलक ने दिलावर खां गौरी को चंदेरू और मांडू को हाकिम नियुक्त किया। 1401 में इसने स्वतंत्र कर मालवा को राज बनाया। चंदेरी मालवा राज का तथा मध्य भाग के प्रमुख नगर बन गया। मालवा के राजा चंदेरी और मुमूशा खिलजी, उसके पुत्र ग्यासुद्दीन खिलजी के काल को चंदेरी का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में बहुत कुछ बनाया गया यहाँ पर। 1524 में राजपूत राजा राणा सांगा का श्रेष्ठ मालवा का राजा सरदार मेदनी राज चंदेरी का सप्तम शासक बना। 1528 में मुगल बादशाह ने राणा सांगा और मेदनी राज से सेनाओं को परास कर चंदेरी ले लिया। फिर ओरछा के बुंदेला राजा मधुकर शाह के पुत्र, बड़ी हिस्ट्री है, ऐसे ऐसे करते करते अंग्रेजों के पास आया। चंदेरी दुर्ग, जिस दुर्ग में हम खड़े हैं चंदेरी दुर्ग है, ये 71 मीटर की ऊंचाई पर है। प्रतिहारकालीन चंदेरी 11वीं शताब्दी में कीर्तिपाल नामक प्रतिहार राजा ने बनाया था, जिसके नाम पर दुर्ग कीर्ति दुर्ग के नाम जाना जाता है। वर्तमान में दुर्ग का बुंदेला राजा दुर्जन सिंह द्वारा बनाया गया। ये 9 खंडा महल और एक पुरानी मस्जिद का अवशेष ही शेष है, जो सुंदर नक्काशी है। दुर्ग में पहुँचने के लिए मुख्य 3 मार्ग है। पहला मार्ग सड़क मार्ग है जिससे वाहन जाता है, अन्य मार्ग जोगेश्वरी देवी के मंदिर की तरफ से है, और एक खूनी दरवाजा की तरफ से है। जामा मस्जिद यहाँ का एक बादल महल है। जामा मस्जिद समीप स्थित 15वीं शताब्दी में स्थित
इस दरवाजे पर किसी के महल से कोई संबंध नहीं। समुदाय इसका निर्माण किसी विशेष घटना या महत्वपूर्ण क्षण क्षण की यादगार में बनाया गया था। ये 50 फीट ऊँटी है। जामा मस्जिद ये 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। जामा मस्जिद को फिर शहजादी का रोजा यह स्मारक किसी सुल्तान की शहजादी का मकबरा है जिसका नाम ज्ञात नहीं। ये चकोर स्मारक 2 खंडों में निर्मित है जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी छत को विशाल गुंबद से ढक दिया गया हो। इसकी प्रत्येक दिशा में 5 बंद में आर्च दीवारें हैं। इस स्मारक निर्माण 1425 में किया गया। कटी घटी है जन कौशक महल है। 32 बावड़ी बड़ा मदरसा निजामुद्दीन का कब्रा पुरातत्व तो काफ़ी चीज़ें हैं आने लायक। ये यहाँ का लेआउट प्लान है चंदेरी शहर। ये सब चीज़ें हैं। ये इम्पोर्टेंट जगह 32वीं बावड़ी बड़ा ये आने के बाद अच्छा फील होता है आना चाहिए। चलिए आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। हम लोग खूनी दरवाजा के पास आ गए हैं। इस महल में 2-3 एंट्री है। इसमें एक एंट्री खूनी दरवाजा के थ्रू होती है तो मैं वहीं पर पहुँचा हूँ। खूनी दरवाजा ये देखिए बड़ा शांत जगह है। चारों साइड जंगल है निस्तब्धता है। तो चंदेरी तो काफ़ी पॉपुलेटेड मुझे लगा बट इलाका शांत है। सब खूनी दरवाज़ा नाम क्यों मुझे पता नहीं बट खूनी दरवाज़ा बोलते हैं इसको। इस खूनी दरवाज़ा सर खून उन हुआ होगा किसी का इसलिए नाम खूनी दरवाज़ा हो गया इसका। यहाँ पर लोगों को फांसी से दिया जाता था। ये बाहर के हैं। हाँ यहाँ पर ऐसा है कि कैदियों को जो पनिशमेंट मिलता था फांसी बड़ी दिमाग से एक चीज लगा रहे हैं कि रात में अगर अंधेरा होता होगा देख लिए तो ये खूनी दरवाजा ये चीज है। तो एक खूनी दरवाजा है फांसी से दी जाती थी। अब वहाँ से आगे जाके चलेंगे हम अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दृश्य है चंदेरी फोर्ट का जिसकी बहुत लंबी कहानी है। हिंदू राजाओं ने बनाया फिर तुगलक वगैरह ने तोड़ फोड़ किया। वो तो हर जगह तोड़ फोड़ किया। उसी का विहंगम दृश्य चारों साइड है। ये चारों साइड में दिखा रहा हूँ दृश्य चारों साइड का दृश्य है। इस डायरेक्शन में खूनी दरवाज़ा है जहाँ मारा कैदियों को मारा जाता था। यहाँ 2 चीज़ें हो गई। एक तीसरी है रोजा महल वहाँ मैं जाऊँगा। एक बादल महल वहाँ जाऊँगा। एक माता का मंदिर वहाँ जाऊँगा। और बाद में एक डैम है। डैम कोई खास बात नहीं है। एक डैम है। डैम में क्या देखना है। डैम के पास ही पूना है भरे हुए हैं। बस इसके बाद हम कल जबलपुर के प्रस्थान कर जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है। ये किला जो रिकंस्ट्रक्टेड है ये टूट चुका था। रिकंस्ट्रक्टेड था तो टूट चुका था। ये किला टूट चुका था तो टूटने के बाद किला बनाया गया है। किला का अंत हो चुका था तो इसीलिए किला को कुछ बचा नहीं है। किले को ज़्यादा कुछ किले कहानी ख़त्म हो चुकी है तो बहुत कुछ नहीं किले में है। बस ये बाहर का है और ये फिल्मों शूटिंग वूटिंग हो जाती है इसके लिए नाम ज़्यादा हो गया। स्त्री फिल्म का शूटिंग यहाँ हुआ था। भीड़ भाड़ नहीं है। अच्छी जगह है। मुझे तो बहुत पसंद आई। दिक्कत नहीं होती मुझे यही लग रहा है। तो भाई ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट मुझे नहीं लगा यहाँ पर कि क्यों शूटिंग हुई है। बट अच्छी है। ये देखिए कितना दृश्य इतना अच्छा है। यस देखने में अद्भुत है चारों साइड। ब्यूटीफुल प्लेस। हमारी पत्नी जी हैं बैकग्राउंड में देखिए। ये तो लगाइएगा माइक को। हेल्प कर दीजिए माइक लगाने में। हेल्प करा रहा हूँ। माइक लग नहीं पा रही। माइक चाहिए ही चाहिए। ऑडियो क्लियर नहीं होता है। फिर ऑडियो को वॉइस ओवर देना पड़ता है। मज़ा नहीं आता उसमें।
और नीटी नहीं आ पाती वॉइस ओवर में। चले हम अब यहाँ से दूसरी मंजिल की ओर, दूसरी मंजिल की ओर चलते हैं। चलिए वीडियो इनके लगाते लगाता मेरा टाइम खत्म। हम जौहर मोनूमेंट के पास हैं, जौहर मोनूमेंट फोर्ट चंदेर। आई थिंक अभी यहाँ तो युद्ध हुआ ही था, जब खिलजी वगैरह अटैक किया था तो युद्ध हुआ था, तोड़फोड़ हुआ था। ये तो 13th century तक हिंदुओं के पास था, वो मुसलमान राजाओं ने, इन्वेडर्स ने, तुर्की के जो लोग थे, राजा थे, उन्होंने अटैक किया तो उसमें मारकाट हुआ। तो जहाँ मारकाट होता था वहाँ तो औरतें जौहर करती थी, तो सेव देयर ऑनर, इट्स ऑनर। तो बाद में 1932 में क्रिएट किया गया बाय द सदाशिव राव पवार, हिज हाइनेस महाराजा जुवाजी राव सिंधिया ने पढ़ाया था। तो यही कहानी यहाँ की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये जौहर का दृश्य पिक्चराइज किया गया है, यहाँ जौहर का दृश्य पिक्चराइज किया हुआ है, दिखलाई पड़ रहा होगा जौहर का दृश्य। ये जौहर का दृश्य, स्वर्ग में वीरंगनाओं का शिव पूजन। चलिए युद्ध में मारे गए और औरतें जौहर कर गई। ये होता ही थे हिंदू राजपूत परंपरा में, औरतें मर जा करती थी। तो यहाँ सब कुछ ख़त्म था, इसको रिक्रिएट किया गया। तो एक बार फिर मैं दिखा दूँ आपको, इस यहाँ से किले के ऊपर से पूरा चंदेरी शहर नज़र आ रहा है। ये इसका है कि हाँ रहने के लिए बना हुआ, शायद रेस्टोरेंट वगैरह आप ठहर सकते हैं। और एक किले का यहाँ का दृश्य, किले के यहाँ का दृश्य। तो सिंह टेबल ब्लॉगर अवधेश कुमार सिंह सब से यही पेशकश है नई नई जगहों की, और आगे की ओर बढ़ते हैं।